Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and I'm here to give you a dose of motivation. So as we all know, the 21st is exam date of the life sciences people, and one thing you must remember that one piece of paper cannot decide your future, cannot decide your destiny. So ek a piece of paper se tumhara ye decide nahi hoga ki tumne life mein kuch kiya hai ya achieve nahi kar paye ho. You know, some people will, preparing from the 6 months, and some are preparing from the 3 months, and some are preparing from the 1 month only. So it doesn't matter. Matter क्या कहता है कि मैं डर नहीं लगना चाहिए. डर basically क्या है कि the person who are preparing for something very hard, तो उनको डर लगता है. और जो बिल्कुल prepare नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter कि clear होगा या नहीं होगा. तुम लोग को डर लग रहा है क्योंकि आपने prepare किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. स्ट्रगल किया है इस चीज के लिए और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है. दैट इज व्हाई यू आर लाइक फीलिंग कि हाँ ये हो सकता है या नहीं होगा. वेदर आई क्लियर द एग्जाम और आई यू नो व्हाट विल हैपन इफ आई फेल इन द एग्जाम. तो आई नो ये डर वाली कंडीशन होती है, इवन सबके साथ भी होती है. जब मैं एग्जाम देती थी तो मेरे साथ भी ये चीज होता था. तो इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो तुम लोग को ध्यान में क्या रखना है दैट जब भी तुम एग्जाम के लिए बैठोगे, पहली बात तो बहुत ज्यादा नॉर्मल होके बैठना है. जस्ट बिहेव लाइक अ वेरी नॉर्मल यू नो वेरी नॉर्मली. बिकॉज अगर तुम एंजाइटी अगर थोड़ा होगा या फिर थोड़ा भी डर लगेगा ना, दैट विल हार्म या फिर दैट विल हॉल्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन. तो ऐसा नहीं करना है. आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव करना है, बहुत ज्यादा नॉर्मल यू नो कि आपको ये ना हो कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा. तो ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए. और ध्यान रखना है अगर एग्जाम क्लियर होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वन थिंग दैट मैटर्स कि आपने नॉलेज कितनी अचीव करी है. बिकॉज नॉलेज विल रिमेन विद यू, वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है. और रही बात एग्जाम की, तो हो सकता है कभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है जो बेसिकली जिस पर्टिकुलर एरिया से तुमने प्रिपेयर किया था वो आए या ना आए, वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है. तो एग्जाम के बाद में जो भी होता है तो मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है. पहली बात तो ये. लेकिन बात ये, अगर मैं एग्जाम की बात करती हूँ तो एग्जाम के टाइम में तुम्हें करना क्या है. पहली बात तुम्हें जाके एलटी पूरा अपना क्रेडेंशियल्स लेके जाने प्रॉपरली. मैं सब कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज ना हो वहाँ पे कोई गड़बड़ क्रिएट करते. ठीक है, तो तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, तुम्हारा जो भी पेपर्स हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज करके रखना है. उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम ओपन हो जाएगा तो तुम्हें ध्यान में रखना है, सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान देना है. ओके, अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है. तो अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें वाइजली बहुत ज्यादा वाइजली चूज करना होगा कि तुम्हें कौन सा सेक्शन जो है पहले चूज करना है, उसके बाद कौन सा सेक्शन यूज करना है. अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछ, मैं पार्ट सी को पहले इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी इट कैरिंग 100 मार्क्स. 75 क्वेश्चन आपके पास होते हैं एंड यू हैव टू चूज 5 क्वेश्चन फ्रॉम देम, एंड देन ईच यू नो क्वेश्चन इज कैरिंग 4 मार्क्स, टोटल 100 हो जाता है. तो वहाँ पे थोड़ा ये चांसेस होते हैं कि अगर तुमने वहाँ पे 80-85 टॉपिक क्वेश्चन कर दिया, मतलब 85 के मार्क्स भी यहाँ पे कैरी कर लिए, वहां से बहुत सारी चीजें ना जो तुम्हारा नो डर है वहां से खत्म हो जाएगा. फिर पार्ट बी पे आओगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कोशिश करना कि वो तुम्हारे गलत ना हो. इतने क्वेश्चन जो करके आ रहे तुम्हारे वो गलत नहीं होने चाहिए, वहां पे नेगेटिव मार्किंग ना आए. जब तुम पार्ट डी पे आओगे, जैसे अर्थ साइंस वाले बच्चों ने बताया कि मैम इतना ज्यादा टफ नहीं आया रीजनिंग वाला पार्ट, तो नॉर्मल अगर ह्यूमन नहीं, नॉर्मल अगर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे बायोलॉजी से रिलेट करता है या फिर तुम्हारे मैथ से रिलेट करता है, तो कितने क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, तो 7 or 8 क्वेश्चन हो जाएंगे. इसलिए हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम नॉर्मल दिमाग भी रखोगे 7 or 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहाँ, तो वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी. और याद रखना है उसके बाद जो भी ऑनलाइन जो एग्जाम है पहली बार देने जा रहे हैं, अगर रेड ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स तुमने भी क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया है, उसको तुमने छोड़ दिया है, उसको तुमने फेल नहीं किया है. अगर येलो आता है तो मार्क फॉर द रिव्यू होता है. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, तुम दोबारा जाओ या फिर तुम्हें ये है कि उसको सेलेक्ट करना है या फिर उसको नहीं करना है, वो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा. ग्रीन हो जाता है मतलब तुम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर चुके हो, वो तुम्हारा इंक्लूड होने वाला है. तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए. उसके बाद एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं 25 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो मतलब तुम ज़्यादा घबरा जाओ, प्रॉब्लम हो जाए. नहीं बेटा, जितना पॉसिबल है उतना करने की कोशिश करना. ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. और ये बहुत ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा बाद में एग्जाम होगा कि नहीं होगा. ये SSC वाले एग्जाम्स नहीं है, रेलवे वाले एग्जाम्स नहीं कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो. ये प्रिडिक्टेबल है, ये 6 महीने बाद फिर से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा तुम लोग परेशान रहते हो, वो परेशान नहीं होना है.
ठीक है, ये नहीं होगा तो नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि जितना तुम्हें आता है, जितना तुमने पढ़ा है, वो उसके साथ फुल टेंशन के साथ में करो। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो जाएगा तो तुम बहुत लीनियंट ले लो, लीनियंट लेने की जरूरत नहीं है, इतना ईजी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि अगर नहीं होता है, इतना परेशान नहीं होना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में कोशिश कर सकते हो तो अपना जितना पढ़ा है वो पूरा दिमाग लगाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉमन सेंस लगाना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं स्ट्रेटेजी बता चुकी हूँ कि जैसे मे बी है, पॉसिबल जो स्टेटमेंट होते हैं वो 80-90% सही होते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, गलत होते हैं। तो ये चीजें वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम सही आती है तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें एग्जाम में जो करना है, तुम्हें ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ के कभी भी तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें हमेशा ऑप्शन पे जाना है, क्वेश्चन को देखना है कि कैसे आ रहा है, ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, वहां से कोशिश करनी है कि वहां से तो क्वेश्चन तुम लेके आ जाओ आंसर, तो ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आई एम सो सॉरी, गला आई थिंक हो जाता है। तो जो भी बच्चों का एग्जाम अभी सुबह है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हारे पहले प्रिपेयर करके रख दिया है कि तुम थोड़ा जाओगे थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा। और जिन बच्चों का भी शाम को एग्जाम है, वो उनको भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है। अगर क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करना है 130 से ऊपर मार्क्स लाने की, ठीक है। 130 से ऊपर मार्क्स लाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें सेफ साइड पर खेलना है। तुम्हें ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे लुढ़क जाओ, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा सेफ साइड पे खेलना है। तो 130 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, जितना कोशिश हो सकता है 130 प्लस लाने की कोशिश करनी है। और ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, जस्ट डू योर गुड, जितना हो सकता है उतना अच्छा करना है, और अपने पोटेंशियल के हिसाब से पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये भी नहीं सोचना है मैम अब नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करके आपने की है, पूरा 6 महीने लगाया है, किसी ने 3 महीने लगाए हैं, तो जिन्होंने भी जितनी करी है आई थिंक वो बहुत इनफ है। आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है आप उसी के हिसाब से चीजें कर सकते हो, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट गिव योर 100% टू द एग्जाम। और आपको क्या करना है, पूरा अटेंटिव रहना है एग्जाम में, अपना फुल पोटेंशियल के साथ में एग्जाम करना है, और आई थिंक एवरीथिंग विल बी टर्न आउट टू बी इन अ गुड वे। सो डोंट वरी, जस्ट बी ऑन अ नॉर्मल स्टेट, अपना एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं करना है, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।